देखिए आपको बहुत कम टाइम में हम खत्म करने वाले हैं आपको लाइव चैप्टर, ठीक है। और जो चैनल पे नए हैं वो जरूर सब्सक्राइब करें, सॉरी चैनल पे जो नए हैं वो जरूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि थोड़ा सा हमारा भी मनोबल बढ़ सके। तो देखिए लाइट, लाइट क्या है तो सब लोग जानते हैं, अगर लाइट ना रहे तो आपको जिंदगी नहीं चल सकती है। जिंदगी को चलाना है तो ये लाइट चाहिए, है ना। एक दिन लाइन नहीं आता है तो बच्चे कहते हैं कि सर HW कंप्लीट नहीं हुआ, सर लाइट नहीं था कल। अरे गजब है, यानी आप लोग लाइट के गुलाम हो चुके हैं। दिन में तो खैर लाइट की जरूरत तो विशेष नहीं पड़ती है, लेकिन रात में आपको लाइट नेसेसरी हो जाते हैं, ठीक है। तो लाइट इज वेरी एंड वेरी नेसेसरी, लाइट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। तो जैसा कि जानते हैं लाइट क्या है, तो लाइट जो है इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। सब लोग जानते हैं कि लाइट जो है इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। बाय व्हिच वी कैन सी टू एन ऑब्जेक्ट, बाय व्हिच वी कैन सी टू एन ऑब्जेक्ट, सब लोग जानते हैं, है ना। और देखिए लाइट ऐसे जनरली दो टाइप के होते हैं, एक नेचुरल लाइट और एक आर्टिफिशियल लाइट। नेचुरल लाइट क्या होता है, जो हमें नेचर ने दिया है, सन का लाइट हो गया, है ना, स्टार का लाइट हो गया, नेचुरल लाइट हो गया। आर्टिफिशियल लाइट में कौन हो गए, ये बल्ब के लाइट हो गए, ये मोबाइल फोन के लाइट हो गए, है ना, आपके कैमरा के लाइट हो गए, ये इस पैनल के लाइट हो गए, सब आर्टिफिशियल लाइट, ठीक है, ये सब लोग जानते हैं। और जरा सा आप लोग ये भी पता होगा, एक ऑब्जेक्ट का टाइप, ऑब्जेक्ट जो है आपका तीन टाइप का होता है ऑन द बेसिस ऑफ लाइट पासिंग, ऑपेक्यू, ट्रांसपेरेंट और, है ना, ऑपेक्यू होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, और आपका क्या होता है, ट्रांसलूसेंट। ऑपेक्यू बोलते हैं जिससे आपको लाइट पार नहीं होता है, और ट्रांसपेरेंट बोलते हैं जिससे लाइट पार हो जाता है, और ट्रांसलूसेंट में थोड़ा पार होता है थोड़ा पार नहीं होता। अब देखिए आपको ऑब्जेक्ट दो टाइप के भी होते हैं, एक ल्यूमिनस और एक होता है नॉन ल्यूमिनस। ये किस बेसिस पे हो गया, लाइट हैविंग, मतलब अपना लाइट रख रहा है कि दूसरे का लाइट रख रहा है, उस बेसिस पे दो टाइप के, ल्यूमिनस और एक आपका है नॉन ल्यूमिनस। तो ल्यूमिनस किसको कहा जाता है, ल्यूमिनस कहा जाता है जिसके पास जो है खुद का लाइट हो और अपना लाइट से शाइनिंग करे, वो ल्यूमिनस। नॉन ल्यूमिनस जो दूसरे के लाइट से शाइनिंग करे, दैट इज नॉन ल्यूमिनस, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूं, ये आपका सनलाइट अपना लाइट है तो ल्यूमिनस है, मून लाइट दूसरा का लाइट से, सन के लाइट से चमकता है तो ये नॉन ल्यूमिनस हो गया, ठीक है। तो अब देखिएगा, ये लाइट समझ गए आप लोगों को। अब देखिए जरा सा मिरर वगैरह के बारे में जान लेते हैं, मिरर, क्योंकि ये आपको लाइट में आपको मिरर और लेंस ही पढ़ेंगे। मिरर क्या होते हैं, तो मिरर होते हैं बाबू आपका कि एक ऑपेक्यू ऑब्जेक्ट है मिरर आपका, ठीक है, मिरर आपका एक ऑपेक्यू ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसमें आपको विच कैन सी टू इमेज, जो हमको इमेज दिखाने में हेल्प करता है। मिरर एक ऑपेक्यू ऑब्जेक्ट है जो हमें इमेज दिखाने में हेल्प करता है। ये मिरर आपके ऐसे मेनली दो टाइप का होता है, एक प्लेन मिरर होता है और एक आपका स्फेरिकल मिरर होता है, ठीक है। एक प्लेन मिरर होता है आपका और एक होता है बाबू आपका स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर तो आप लोग जानते हैं, ये वन सरफेस क्या हो, पॉलिश हो, और रिफ्लेक्टेड सरफेस प्लेन हो। ये देखिए इधर वाले को रिफ्लेक्टेड सरफेस बोले, जिधर से आप चेहरा देख सकते हो, चेहरा इधर से देख रहे हो, ये रिफ्लेक्टेड, और इधर वाला पॉलिश सरफेस, ठीक है। और ये स्फेरिकल मिरर आपके दो टाइप के होते हैं, एक कॉनकेव मिरर और एक होता है बाबू कॉनवेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर देखो, कॉनकेव मिरर ये देखिए, ये कॉनकेव मिरर हो गया, ये रिफ्लेक्टेड सरफेस हो गया। तो रिफ्लेक्टेड सरफेस अगर धसा हुआ हो, ये देखिए इधर से रिफ्लेक्टेड बोले तो चेहरा दिखने वाला, तो रिफ्लेक्टेड सरफेस आप देख रहे हैं ये धसा हुआ है, रिफ्लेक्टेड सरफेस आपका धसा हुआ है, तो ये आपका हो गया जो है कॉनकेव मिरर। और ये देखिए इसमें ये वाला रिफ्लेक्टेड सरफेस उठा हुआ है, रिफ्लेक्टेड ये वाला उठा हुआ है, ठीक है, रिफ्लेक्टेड सरफेस आपका उठा हुआ है बाबू, तो उठा हुआ है रिफ्लेक्टेड सरफेस, तो ये हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर आप लोग समझ गए, है ना। अब देखिएगा कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर आप लोग समझ गए। अब जरा सा देखिए, हम जानकारी ले लेते हैं थोड़ा सा शैडो का, हल्का सा जानकारी शैडो का भी ले लेते हैं। शैडो क्या है, शैडो आपने देखा होगा,
जो डार्क एरिया होता है अपक्यू ऑब्जेक्ट के बिहाइंड, जो अपक्यू ऑब्जेक्ट के बिहाइंड आपका डार्क एरिया होता है, दैट इज कॉल्ड शैडो, है ना। अपक्यू जो ऑब्जेक्ट जैसी है आपका, देखिए ये आपका जो है अपक्यू ऑब्जेक्ट है, ये कोई अपक्यू ऑब्जेक्ट है। तो इसमें देखते हैं, अब मान लो पीछे दीवार है, इस पर एक डार्क एरिया जो है बन जाता है। चलो मैं आपको डार्क दिखा देता हूं, ये डार्क एरिया है, ठीक है। डार्क आपको यहां पर नहीं दिख रहा होगा, इसलिए मैं आपको व्हाइट करके ही आपको दिखा देता हूं, ठीक है। ब्लैक है आपका जो है बैकग्राउंड, इसलिए नहीं दिख रहा होगा डार्क, तो मैं आपको ये व्हाइट से दिखा देता हूं। ये देखिए यहां पर ये ब्लैक टाइप का जो है डार्क टाइप का होता है, यही डार्क एरिया आपका क्या कहलाया, शैडो कहलाया। ये जो डार्क एरिया है आपका शैडो कहलाया। और ये शैडो आपके दो टाइप के मिलेंगे, एक अंबरा और एक पेनुम्बरा। अंबरा क्या हुआ, आपने देखा होगा कोई भी शैडो एक बीच में आपको ज्यादा डार्क होते हैं, बीच में आपको ज्यादा डार्क होते हैं और साइड में थोड़े कम डार्क होते हैं, बीच में थोड़े ज्यादा डार्क होते हैं और साइड में थोड़े। तो ये जो बीच वाला पार्ट है ये अंबरा कहलाता है। शैडो का जो मिडल होता है, सेंट्रल पार्ट है, वो ज्यादा डार्क होता है, जो शैड आपका अंबरा कहलाता है, और सराउंडिंग पार्ट आपका क्या कहलाता है, पेनुम्बरा कहलाता है, ठीक है। शैडो का बीच वाला जो है ज्यादा डार्क है, जो अंबरा, और साइड वाला आपका पेनुम्बरा कहलाता है, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं, अंबरा पेनुम्बरा समझ गए। जरा सा हम सोलर इक्लिप्स और ल्यूनर इक्लिप्स के बारे में जान लेते हैं। देखिए सोलर इक्लिप्स क्या है और ल्यूनर इक्लिप्स, मैं आपको बता दूं ये भी एक शैडो है भाई, और शैडो ये सोलर इक्लिप्स और ल्यूनर इक्लिप्स भी आपका क्या है, शैडो ही, ठीक है। देखिए सन, अर्थ और मून जब स्ट्रेट लाइन में तीनों, तब बोलो इसका ये आपका क्यों ऑब्जेक्ट है, इसका शैडो बनेगा कहां, ये मून पर, ये शैडो होगी आपका अर्थ का, है ना। अर्थ का शैडो कहां पर बना, मून पर। तो इसको हमने बोला बाबू ल्यूनर इक्लिप्स, यानी मून पर जो अंधेरा छा गया, ठीक है, मून पर जो अंधेरा छा गया उसको हमने बोला क्या, ल्यूनर इक्लिप्स। और जब सन, मून और अर्थ स्ट्रेट लाइन में, ध्यान रहे जब अर्थ बीच में हो तो अर्थ का शैडो मून पर बना, तो ये ल्यूनर इक्लिप्स। और जब मून बीच में हो तो मून का शैडो बनेगा आपका किस पर, इस मून सनलाइट इस पे पड़ा तो मून का आपका शैडो बन जाएगा किस पर, अर्थ पर, तो ये आपका सोलर इक्लिप्स कहलाया। बोले तो सूर्य, अरे यार तो ये शैडो ही ना है बाबू, तो लोग इसको मानते हैं कि ये स्नान करना है, ये करना है, वो करना है, कपड़ा खींचना है, अगर मेरा घर धोना है, अरे वो सब बेकार की बातें, ब्लाइंड बिलीव अंधविश्वास है। आप इसमें तो ये शैडो जैसे आपका शैडो बन रहा है उसी तरह से ये शैडो बन रहा है ना। अर्थ का शैडो बना मून पर तो ल्यूनर इक्लिप्स, और ये मून का शैडो अर्थ पर बना तो सोलर इक्लिप्स। तो यार ये शैडो है यार। चलो अब देखिए आपको लाइट जो है सोच थ्री फेनोमेना, लाइट आपका तीन घटना दिखाती है। पहला रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सेकंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, हालांकि और भी फेनोमेनन है लेकिन अभी फिलहाल क्लास टेंथ लेवल तक बोर्ड एग्जामिनेशन तक तीन ही फेनोमेनन। एक होता है बाबू डिस्पर्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, है ना। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, ये कोई अपक्यू ऑब्जेक्ट है, लाइट गया वापस आ गया, दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। When light falls on the opaque object, comes back in the opposite direction, this phenomenon is called reflection of light. अब refraction क्या है? ये देखो, ये आपका water है ना, ऊपर air है, ये light गया, ठीक है, ये light गया आपका, तो ये जाना चाहिए था आपको straight line में, ये light को आपको जाना चाहिए था किस line में, स्ट्रेट लाइन में, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये हल्का सा आपको बेंड कर जाता है लाइट, ये हल्का सा बेंड कर गया, दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट फॉल्स ऑफ अ क्यू ऑब्जेक्ट कम्स बैक इन द अपोजिट डायरेक्शन तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट फॉल्स ऑन द ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट देन इट बेंड्स हल्का सा मुड़के जाता है, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ओके
समझ में आई रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आप लोगों को, ठीक है। और ये देखिए जो लाइट आई उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जो वापस चली गई रिफ्लेक्टेड रे। इसमें लाइट आई इंसिडेंट रे, वापस चली गई तो इस वापस नहीं गई, इसमें मुड़के वापस गई, मुड़के तो मुड़के जो गई उसको रिफ्रैक्टेड रे, जो मुड़के गई वो रिफ्रैक्टेड रे। डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या है, लाइट फॉल्स ऑन द प्रिज्म तो डेविएट्स इनटू सेवन कलर्स, लाइट फॉल्स ऑन द प्रिज्म देन डेविएट्स इनटू सेवन कलर्स, दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट, है ना। एक ट्रिक मैं बताता हूं, आर ओ बाई जी बी आई वी, आर ओ बाई आर ओ बाई जी बी आई वी, ट्रिक मैं बता रहा हूं, आर ओ बाई वाई जी बना लिखून एकदम ठेक इंस्पेक्टर भैया, किसका ट्रिक है, सनलाइट में सेवन कलर्स हैं, पर मैं आपको एक बात और बता दूं, सनलाइट में सेवन कलर्स हैं लेकिन सेवन विजुअल कलर्स हैं, सनलाइट के पास सेवन कलर्स हैं लेकिन मैं आपको बता दूं सेवन विजुअल कलर्स होते हैं, सनलाइट के पास सेवन विजुअल कलर्स हैं। ऐसे सनलाइट के पास बहुत सारे कलर ऐसे बाबू, लेकिन हमारी आंखें इन सात कलर को जो है पहचान पाती है, तो देयर आर इंफिनिटी कलर्स इन सनलाइट बट देयर आर सेवन विजुअल कलर्स इन सनलाइट, सनलाइट में बहुत सारे कलर्स हैं लेकिन हमारी आंखें सात कलर देखती है। ठीक क्या है सात कलर को, कौन कौन कलर होता है सनलाइट में, रॉय आरो बाई रॉय जी बनलखुन इंस्पेक्टर भैया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ठीक है। चलिए अब आगे देखिएगा, अब जरा सा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में कुछ और बातें कर लेते हैं। पहला लॉ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की बात करते हैं। फर्स्ट फिगर पहले बना देता हूं मैं, सबसे पहले मैं आपको फिगर ही बना देता हूं। ये देखिए आपका मान लो कोई आपका क्यू ऑब्जेक्ट है, ये आई इंसिडेंट रे चली गई रिफ्लेक्टेड रे, ये आपका क्या कहलाया नॉर्मल रे, ठीक है। तो देखो इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे तीनों एक ही पॉइंट पर होता है, ये पहला लॉ हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल रे लाई एट द सेम पॉइंट, और इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहां इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे मिलते हैं दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है पहला लॉ। दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे के बीच, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे के बीच, इंसिडेंट रे नॉर्मल रे के बीच एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे के बीच एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दो ला है, पहला इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल रे एक ही पॉइंट पर होता है, सेकंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। चलिए अब देखिए लॉ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी दो टाइप के होते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपको दो टाइप के, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक इरेगुलर। रेगुलर क्या हुआ, जब स्मूथ सरफेस पर लाइट पड़ता है तो ऑल रिफ्लेक्टेड रे पहले, दैट इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जब स्मूथ सरफेस पर लाइट पड़ता है तो ऑल रिफ्लेक्टेड रे आज पहले, जिसको इसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब ये देखिए इस तरह पर पड़ा लाइट आया तो ये आपका पैरेलल नहीं होता है, देखिए कट गया तो ऑल रिफ्लेक्टेड रे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द रफ सरफेस इज कॉल्ड इरेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सारा रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल, इरेगुलर ऑल रिफ्लेक्टेड रे आर नॉट पैरेलल, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का लॉ, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एकदम लगा वीडियो को बढ़ा बढ़ा के नहीं देखना है, बहुत फास्ट चल रहे हैं, रिवीजन क्लास है आपका। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पहला लॉ क्या है, चलो ये वाटर ले लेता हूं मैं, ये आपका वाटर ले लेता हूं, चलो कलर चेंज कर देता हूं इसका,
ठीक है। ये देखिएगा, ये आपका इंसिडेंट वेव हुआ, डॉट 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 अरे जाना चाहिए था, ये आपका नॉर्मल वेव हुआ, इंसिडेंट नॉर्मल, ये हल्का सा मुड़ के चला गया। तो पहला था इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे, ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे, तीनों एक ही पॉइंट पर होता है।